देश की कामयाबी के लिए जी जान से जुटा इसरो। अंतरिक्ष में सबसे आगे ले जाने का है बड़ा मकसद, अपने तेज कदमों से दुनिया को दिखा रहा धमक। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है। इसने देश को देखते ही देखते पूरी दुनिया के गिने चुने देशों में शामिल कर दिया है। आज अंतरिक्ष विज्ञान में देश इतने आगे जा चुका है कि जापान जैसा तकनीकी रूप से सक्षम देश भारत के साथ काम करने को बेताब है। इसीलिए वो भारत के साथ मिलकर अंतरिक्ष मिशन पर काम कर रहा है, जिससे खुद भी अपने मिशन को अंजाम दे सके। सवाल उठता है कि जापान भारत के किस अंतरिक्ष मिशन में काम कर रहा है, इस मिशन में जापान किस तरह का सहयोग कर रहा है। तो दोस्तों, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जैक्सा भारत के मून मिशन में साथ मिलकर काम कर रही है। चंद्रयान 3 में भी जापान ने साथ में काम किया था और अब चंद्रयान 4 में भी साथ मिलकर काम कर रही है। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने बीते साल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को उतार कर दुनिया में दबदबा कायम किया है। भारत अब दुनिया का चौथा ऐसा देश है जो चांद पर पहुंचने में कामयाब हो चुका है। भारत के बाद जापान इस रेस में है जो अपने स्मार्ट लैंडर स्लिम को चांद की सतह पर उतारना चाहता है। दो बार इसकी लॉन्चिंग डेट बदली गई है। इस मिशन का परिणाम जो भी हो, लेकिन जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा ने अगले मून मिशन के लिए पहले से ही इसरो से हाथ मिला लिया है। चंद्रयान 3 की चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग के बाद अब भारत जापान को भी साउथ पोल की सैर कराएगा। जापान की स्पेस रिसर्च एजेंसी जैक्सा ने इसके लिए इसरो से करार किया है। दोनों स्पेस एजेंसी मिलकर नए मून मिशन पर काम कर रही हैं, जिसे ल्यूपेक्स नाम दिया गया है। भारत में इसे चंद्रयान 4 के नाम से जाना जाएगा। सवाल उठता है कि आखिर इस मिशन का क्या मकसद होगा, किस तरह की कामयाबी करेगा हासिल। तो दोस्तों, ल्यूपेक्स का पूरा नाम लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है। यह एक मानव रहित मिशन होगा जिसका उद्देश्य चांद के दक्षिणी ध्रुव का गहनता से अध्ययन करना और यहां जताई जा रही पानी की संभावना की पुष्टि करना है। मिशन के लिए लॉन्च व्हीकल और रोवर तैयार करने की जिम्मेदारी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी की है और लैंडर इसरो तैयार कर रहा है। जैक्सा के मुताबिक मिशन को 2025 में लॉन्च किया जाएगा, जो 3 से 6 महीने तक का होगा। इसरो और जैक्सा के ल्यूपेक्स यानी चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य अब तक के मिशनों में प्राप्त चित्रों और जानकारियों की पुष्टि करना है। जैक्सा की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक खास तौर पर चंद्रयान 4 का लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर पानी के संसाधनों को तलाशेगा और इसकी मात्रा का डाटा इकट्ठा करेगा, ताकि भविष्य में ये अंतरराष्ट्रीय सहयोगी मिशन में काम आ सके। इसके अलावा हाइड्रोजन का भी पता लगाया जाएगा। इसमें यह भी पुष्टि की जाएगी कि चांद पर जो पानी है उसकी मात्रा जमीन के अंदर कितनी है या ये अन्य किस रूप में उपलब्ध है। इससे यह भी पता चल जाएगा कि यदि चांद पर पानी है तो वो कहां से आया। दोस्तों, भारतीय एजेंसी का दबदबा इतना बढ़ गया है कि न केवल जापान बल्कि अमेरिका और यूरोप भी साथ मिलकर काम करने को बेताब हैं। हर कोई ये मान रहा है कि इस मिशन से पूरी दुनिया में मून पर भेजे जा रहे सभी मिशनों के लिए मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, अब अंतरिक्ष के बाजार में भारत एक मजबूत विकल्प है। दुनिया भर के देश अपने अंतरिक्ष मिशन की लॉन्चिंग के लिए भारत से सहयोग ले रहे हैं। इससे भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी गाढ़ी कमाई भी कर रही है। सवाल उठता है कि आखिर भारत अंतरिक्ष के बाजार में कितना मजबूत है, कितनी कर चुका है कमाई। तो दोस्तों, अमेरिका जैसे बड़े देश भी भारत से अपनी सैटेलाइट लॉन्च करवा रहे हैं। भारत ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि कनाडा, अल्जीरिया, जापान, ब्रिटेन और सिंगापुर मिलाकर अब तक कुल 21 देशों की सैटेलाइट लॉन्च की हैं। 2017 में भारत ने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, जिसमें 96 अमेरिका के थे और बाकी इसराइल, यूएई, हॉलैंड और स्विट्जरलैंड जैसे देशों के सैटेलाइट थे। अब तक भारत ने विदेशों की कुल 424 सैटेलाइट लॉन्च की हैं। सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सिर्फ विदेशी सैटेलाइट के लॉन्च से ही भारत ने करीब 1500 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसके पीछे सिर्फ भरोसा ही शामिल नहीं है, बल्कि क्वालिटी और कीमत भी है। जिन सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए दूसरे देश ज्यादा खर्चा करते हैं, तो वहीं इसरो इन्हीं सैटेलाइट को बेहद कम खर्चे में और सुरक्षित तरीके से लॉन्च करता है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस मामले में भारत दूसरे देशों से आगे कैसे है, क्यों दूसरे देशों की तकनीक ज्यादा महंगी और कमजोर है। तो दोस्तों, दुनिया के दूसरे देश तकनीक पर तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन भारत इस बात पर ध्यान दे रहा है कि देश की
अंतरिक्ष की उड़ान कमजोर ना हो लेकिन खर्चा कम करने पर ध्यान दिया जाए और वैज्ञानिक लगातार खर्चे को कम करने के लिए नई तकनीकियां विकसित कर रहे हैं और अब एक ऐसी सफलता हासिल की है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है। चीन की धड़कनें तेज हो गई हैं, वहीं अमरीका की भी जमीन खिसक गई है। सवाल उठता है कि आखिर इसरो ने किस तकनीक में सफलता प्राप्त करके इतिहास रच दिया है, किस कामयाबी ने दुनिया में तहलका मचा दिया है, नासा क्यों हैरान परेशान दिख रहा है। तो दोस्तों इस बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। देश की कामयाबी के बारे में जानकर आप गदगद हो जाएंगे। 3D प्रिटेंड रॉकेट इंजन की कामयाबी ने रच दिया इतिहास। अब दुनिया में सबसे कम खर्च में रॉकेट लॉन्च करेगा भारत। नया इंजन कच्चे माल में करेगा 97% की बड़ी बचत। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो जिस गति से काम कर रहा है उसे देखकर दुनिया हैरान है। एक के बाद एक मजबूत तकनीकियों को हासिल करके देश के अंतरिक्ष अभियान को गति प्रदान कर रही है जिसे देखकर दुनिया हैरान परेशान है। और अब 3D प्रिटेंड रॉकेट इंजन की सफल टेस्टिंग के साथ एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। सवाल उठता है कि आखिर 3D प्रिटेंड तकनीक क्या है, इसके क्या फायदे होते हैं। तो दोस्तों 3D प्रिंटिंग मूलतः विनिर्माण की एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल कर 3D ऑब्जेक्ट का निर्माण किया जाता है। 3D प्रिंटिंग अपनी 3 खासियतों, खासकर कम समय, वस्तु की डिजाइन की स्वतंत्रता और कम कीमत की वजह से बहुत महत्व रखती है। अब इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यानी 3D प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल करके लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। PS-4 नाम के इस इंजन का इस्तेमाल इसरो के मुख्य रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के ऊपरी हिस्से में किया जाता है। सवाल उठता है कि इससे क्या क्या फायदा होगा, इसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए। तो दोस्तों 3D प्रिंटेड PS-4 की सफल हॉट टेस्टिंग से भविष्य में रॉकेट इंजन के एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक का फायदा उठाने में सहयोग मिलेगा। इससे एडिटिवली निर्मित PS-4 इंजन को नियमित PSLV कार्यक्रम में शामिल करने की राह आसान हो गई है। इसी के साथ भारत के अंतरिक्ष प्रोजेक्ट्स में एडवांस्ड मेन्यू टेक्निक के नए युग की शुरुआत होती है। दोस्तों नया इंजन कच्चे माल में 97% की बचत करता है और प्रोडक्शन टाइम को 60% कम कर देता है। इसरो ने पारंपरिक रूप से निर्मित PS-4 इंजन को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों के अनुकूल बनाने के लिए फिर से डिजाइन किया है। अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि निर्माण प्रक्रिया में इस्तेमाल की गई लेजर पाउडर बेड फ्यूजन तकनीक ने इंजन कंपोनेंट्स की संख्या 14 से घटाकर 1 टुकड़ा कर दिया। इससे 19 वेल्ड जोड़ खत्म हो गए। इस सुव्यवस्थित डिजाइन ने न केवल प्रति इंजन कच्चे माल के इस्तेमाल को 565 किलोग्राम से घटाकर मात्र 13.7 किलोग्राम धातु पाउडर कर दिया बल्कि उत्पादन समय में भी 60% की कटौती की। तो दोस्तों अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में ये इसरो की बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस गति से अंतरिक्ष की रेस में भारत आगे जा रहा है इसे देखकर यही लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब देश अंतरिक्ष का शहंशाह बन जाएगा। पूरी दुनिया ये मान चुकी है कि टैलेंट के मामले में भारतीयों का कोई मुकाबला नहीं है। अमेरिका खुद मान रहा है कि भारत के टैलेंट के दम पर उसकी इकोनॉमी दुनिया में सबसे मजबूत है। दोस्तों भारत अपने टैलेंट को अनुकूल मंच नहीं दे पा रहा था, इस वजह से देश के टैलेंट का उपयोग दूसरे देश कर रहे थे। लेकिन अब PM मोदी के नेतृत्व में हर दिशा में मजबूती से काम किया गया है जिसका नतीजा है कि अंतरिक्ष से लेकर समंदर में देश अपनी धमक दिखा रहा है। तो दोस्तों देश की इस कामयाबी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूलें।